आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के राजसमंद में भी कांग्रेस के व्यापक तैयारियां जोरों पर कर दी गई हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव व बामनवास विधायक इंदिरा मीणा आज राजसमंद पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने संगम क्षेत्र विकास समिति परिसर में जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, आगामी चुनाव के लिए फीडबैक लिया और आगामी चुनाव के लिए टिकट दावेदारों को एक एक कर आवश्यक बातचीत कर विजन को विस्तार से समझा। जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र से जैन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में प्रवेशकों के सामने बड़े उम्मीदवारों ने अपनी अपनी दावेदारी जताई, अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे और मीटिंग में भाग लिया। और जो भी करें आप सभी बैठ जाएं। आज की ये आवश्यक बैठक, ये शॉर्ट नोटिस में आप सभी बता रहे हैं, एक बार आप सभी कार्यकर्ता राजस्थान के अंदर अभी 2023 के अंदर जो सरकार बनी है भाजपा की, पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, जनता गुमराह हो जाती है चुनाव के समय में और गुमराह करने में भाजपा सरकार बहुत माहिर है। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में लड़ेंगे और जनता भी जैसे ही चुनाव होने के बाद में, आज 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन बाद में जनता को लग रहा है कि हमने गलत निर्णय लिया और राजस्थान की जनता को ये लग रहा है और पूरे देश की जनता को भी ये लग रहा है कि जिस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति, किस तरीके से हमने कांग्रेस ने जिस देश को खड़ा किया उसको बेचकर आज फिर भी आर्थिक रूप से हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ये लोग किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उन चीज़ों को पूरी जनता देख रही है और उन्हीं के आधार पर आने वाला समय चुनाव जो लोकसभा का है उसको लड़ेगी जनता, लड़ेगी और जनता पूरी तरीके से लामबंद है। आपको पता है जिस तरीके से देश के अंदर दिल्ली के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वकीलों के द्वारा ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, इनके जो भगवान के नाम पर ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं, भगवान सबका है, ये इस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं, लेकिन जनता को गुमराह करने में ये माहिर है। और कांग्रेस कोई एक अलग से बाहर से आया हुआ संगठन नहीं है जिसको ये कहते हैं कि भगवान का ठेका इन्होंने ले लिया हो और कांग्रेस को उससे दूर किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस भगवान को नहीं मानती है। लोकसभा की चुनाव की तैयारी में हम लोग आज आए हैं, हमारे साथ हमारी पर्यवेक्षक और विधायक इंदिरा मीणा जी, जिलाध्यक्ष जी और समस्त हमारे यहाँ बीच में हम लोग इनसे राय शुमारी करेंगे। हम चाहते हैं कि अच्छा उम्मीदवार हो और सबकी आम सहमति से कोई सहमति बने, वो उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़े जिससे यहाँ हमारी सीटें जीतें। और राजस्थान में मुझे लगता है, मैं भी कई ज़िलों के अंदर गया हूँ, निश्चित तौर पर अंदर खाने लोग परेशान हैं और ये कहते हैं कि भाई पता ही नहीं चल रहा सरकार है। और लोकसभा में जो तरीका से वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो वायदे पूरे हुए नहीं और जिस तरह का माहौल राजस्थान में पैदा हुआ है, निश्चित तौर पर हम लोग सब प्रयास करके कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हम लोग जीतेंगे। क्या यह फीडबैक 8 विधानसभा में लिया जा रहा है? ये हमने लोकसभा का जिला पड़ता है राजसमंद, तो जिला स्तरीय मीटिंग हम लोगों ने रखी है। हमारे अलग से पर्यवेक्षक और हैं जो बूथों पर, जो हमने विधानसभा वाइज और ब्लॉक वाइज वो मीटिंग कर रहे हैं, वो गए हैं। शकुंतला जी हमारी पूर्व मंत्री हैं, वो ब्लॉकों पर मीटिंग करके अभी गई है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। और यहाँ जिला स्तरीय मीटिंग पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो जो सब लोग राय शुमारी देंगे वो हम हमारे हाईकमान को, शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे और जो कार्यकर्ताओं की भावना होगी उसको पूर्ण तरह से उनकी भावनाओं की कद्र की जाएगी।